हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बाय द वे, अभी हम जाएंगे नैनीताल, ठीक है? तो आज इडली बनने वाली है, कल बनी नहीं क्योंकि कल जन्माष्टमी थी और कल हम मेले में गए और बाद में तो आपको पता ही है कि ना हमारा टाइम ही नहीं मिला, तो अब बनाएंगे आज शाम को इडली, टेस्टी टेस्टी। अनिल गाइस, हम रेडी है और हेलमेट तो ले लिया, तो चलते हैं मोटो व्लॉग के लिए। अनिल गाइस, हम रेडी है अपने हेलमेट के साथ और चप्पल पहन लेते हैं, चलते हैं। तो चलो चलते हैं। हम आ चुके हैं, साइड में लगा लेते हैं यहीं पे। नाना जी बढ़िया मस्त है, मोला बढ़िया मज़ा कर रहे हैं। नानी सा दिख रही नहीं है यहाँ पे, नानी सा कहीं और गई होगी, बाड़े में होगी, बाड़े का दरवाज़ा खुला ना। तो अब हम चल रहे हैं वहाँ पे, मम्मी तो चली जा चुकी है आगे आगे, हम भी चलते हैं। मम्मी तो बढ़िया वहाँ पे कुछ ना कुछ टूट रही होगी। मम्मी वहाँ पे चली भी गई, वो देखो वहाँ पे चली गई, वो तो पहले ही ना तलाशी हो रही है अपनी पियर में, ना अपनी खेती की तलाशी हो रही है, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, देख लो कितने बड़े पत्ते हैं भाई। तो यहाँ पे अभी थोड़े बहुत है ना सही लग रहे हैं, तो बढ़िया बारिश हुई ना तो थोड़ी बहुत अभी हरियाली लग रही है। देख लो सारी जगह हरियाली आ चुकी है, वहाँ पे वो तिलन है तो तिलन के अभी छोटे छोटे में है ना फूल आ गए। ये देख लो यहाँ पे भी है, तो ये कितना छोटा है और इसको फूल आने स्टार्ट हो गए। हम तो इधर आए और मम्मी उस तरफ चली गई, अरे ये नाइंसाफी है। यहाँ पे ककड़िया ढूंढी जा रही है भाई, ककड़िया ककड़िया। अरे नहीं अभी नहीं खाएंगे, हम बड़ी हो जाएंगे तब खाएंगे। तो एक ये रही और एक इसके अंदर ये रही। ओहे ये ककड़ी और कहाँ गई भाई, कहाँ है ये? को छोटी सी और लगी भाई, टेस्टी टेस्टी, वेरी नाइस। आहा मजा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या ओहो ये बैंगन के ना पौधे हैं, तो नानी ने यहाँ पे भी लगा दिए, बढ़िया बात। तो देख लो ये गाय है और ये भैंस, मेरे को लगा वो अच्छा उस पार्टी को भेज दिया क्या। और ये बच्चा गाय का कितना स्वीट है यार, पर ये डरता है हमसे। नाना जी की स्टाइल देखो बैठने की, क्या बात, वन मैन एंग्री नाना जी। अय है इनका चिमटा देखो यार, काटा निकालने का क्या खतरनाक, बड़ा बड़ा। ओ भाई साहब काटा तो देखो यार, कोई है ना सुई से भी बड़ा है, खतरनाक वाला। नाना जी हमेशा पा सकते हैं, कहीं भी अभी काटा चुप जाए तो प्रॉब्लम ना हो, तो बहुत बढ़िया बात, बेस्ट नाना जी। और ये अनिल भाई यहाँ पे बैठे हैं, सुशीला अपना काम कर रही हैं, देख लो भाई लो। फाइनली मम्मी तो चली गई है खेतों में अपने वहाँ बेर में, और मैं यहाँ पे आऊँ तो अभी है ना खेती बढ़िया लग रही है। तो ये देख लो कुछ इस टाइप की है, तो कैसी है बता देना, अगर अच्छी लगी हो तो खा के नहीं देखेंगे क्योंकि अभी तक छोटी है ना, अभी तक है ना पकी नहीं है, अभी तक दाने नहीं पड़े, देखते हैं किसी एक में पड़ी होगी। ये लो इसमें पड़ गए दाने, तो इसको टेस्ट, नहीं यार नहीं है कोई बात नहीं, खा लेंगे ऐसे ही, जब तक ये कच्ची है ना तब तक इसको ऐसे ही खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पक्की होने के बाद ये ऊपर वाला नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये है मूंग की, ठीक है, और ये है बाजरी, देख लो पीली पड़ने आई है। तो ये देखो यहाँ पे तिलन है ना ऐसी चुभी थी, तो इसका पूरा इसको भी बीमारी लग गई है। तो देख लो ये कुछ इतने बड़े हैं, लगभग मेरे ना गर्दन तक आ रहे हैं, ठीक है, पर इसको है ना तेलिया नाम की बीमारी हो गई, सो इसीलिए ये इस टाइप का हो चुका है, पूरा गड़बड़ हो चुका है मामला इसका, अब ये कुछ काम कर नहीं है, ठीक है। तो नानी ने कहा कि ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो करेगा नहीं, है कि नहीं। तो फाइनली गजब का मौसम हो चुका है, तो मौसम खुल भी चुका है, मतलब सुबह से बादल वादल थे ना तो पूरा मौसम खुल चुका है। ये देख लो यहाँ का मौसम कितना प्यारा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, ये देख लो भाई वॉट अ स्वीट।
दो आज प्रिंस भाई का बर्थडे है, पर प्रिंस भाई है नहीं यहाँ पे, ननियाल वो उसके ननियाल गए हुए हैं, मैं अपने ननियाल आया, वो उसके ननियाल गए हैं, ठीक है। तो आज प्रिंस भाई का बर्थडे है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया फोटो उसकी, तो है ना लाइव फोटो नहीं कर पाया, जो मेरे पास पहले से थी वो फोटो है ना पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो आप जाके देख लेना। तो फाइनली अब निकलते हैं यहाँ से, नहीं आराम से तो चलो चलते हैं। तो अब चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी मिट्टी ज्यादा है। ये रही मम्मी जी, आ जाओ मम्मी। ये भाई साहब देखो इन्हें, रास्ते के बीच में सोए हुए हैं। फाइनली गाइस घर पे आ चुके हैं हम, तो बहुत खुश हैं हम तो, ठीक है। तो अब अपना स्टार्ट करते हैं अपना इडली बनाना, तो चलो लेके आते हैं दही, 30 रुपीज़ का दही लगेगा, और मिर्ची भी लेके आनी है, मिर्ची भी लेके आएंगे, खतरनाक का अंधेरा हो चुका है बाहर, तो हम यहीं से लेंगे दही, यहीं से लेंगे, यही है डेयरी हमारे पास ही है, टेंशन नहीं है, और इसी के सामने ये है ना सब्जी की दुकान है, तो सब्जी यहीं से लेंगे अपनी मिर्ची। तो ये देख लो आयुष भाई तो बैठे हैं, मजा कर रहे हैं। हाँ आयुष भाई, तो मैं लेके आ चुका हूँ 30 रुपीज़ का दही और 10 रुपये की मिर्च, क्योंकि मिर्च तो पड़ी है पर वो तीखी नहीं थी ना, तो तीखी चाहिए हमें, इसलिए ले लेते हैं। अपना नारियल पीस दिया है और फूटाने की दाल भी पीस दिए, बहुत बढ़िया ये काम तो किया। फाइनली अपना पेस्ट बन रहा है, ये चटनी के लिए है, और इडली का तो बन चुका है, तो चटनी के लिए ना कढ़ाई मम्मी ने चढ़ा दी है, तो अब चटनी बन जाएगी थोड़ी देर में, बहुत बढ़िया है ना, टेस्टी टेस्टी हम खाएंगे यार आज इडली, बहुत टाइम बाद खाएंगे, है ना ललित, हजारों साल बाद में खाएंगे, हजारों साल, इतने भी हजारों साल नहीं रहे, थोड़ा अच्छा बुढ़े हो गए क्या, इतने भी बूढ़े हो गए क्या, 10 साल नहीं नहीं 10 बार बूढ़े हो गए क्या तुम। फाइनली ये ना अभी इडली बनने जा रही है, तो इस पानी और नींबू डाल दिया इसके अंदर, और ललित तेल लगा रहा है, और मम्मी है ना ऊपर से ना अभी इसमें ना ये पेस्ट भर रही है अपने इडली का, ठीक है। तो ये चटनी तो बन चुकी है और सांभर बन रही है, बढ़िया बात है, तो बढ़िया जाड़ा काढ़ा है, किसी को खाने के लिए बनाना तो मुझे बता देना, 150 रुपये लेगा, क्या चीज का, इडली का भाई 150 रुपये लेगा ना, उससे ज्यादा तो है ना 20 रुपये में ना प्लेट मिलेगी, खाना बनाने में मदद करूंगा। अच्छा मदद करेगा, पूरे महीने का या पूरे साल का, एक दिन का, एक दिन का 150 रुपये कोई बुरा है नहीं। तो हमारी इडली बन चुकी है, ठीक है, तो फर्स्ट वाली है ना प्लेट तो निकल चुकी है, बहुत बढ़िया टेस्टी लग रही है, पहले मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा और तू खा ले, ठीक है, ऐसे नहीं रही, इस टाइप से खाएंगे, कहाँ पे कही चटनी, तो इस बार चटनी के साथ रेस्ट करेंगे इस टाइप की, तो प्लेट कटोरी में लेते हैं, प्लेट में नहीं कटोरी में ले लेते यार हाँ ललित, ललित भाई साहब पहले इडली लेके था यार इन पोजीशन, बढ़िया गाड़ी है आज तो, पापा ने कहा पतली हो गई थी पिछली बार, तो इस बार है ना गाड़ी है, बढ़िया हो चुकी है, तो टेस्ट करते हैं अभी, मार दिया, हाँ क्या मार दिया, अच्छा भीमराव लगा है, और टेस्ट आ रहा है। फाइनली गाइस खाना खा लिया है, तो अब हमारा हुआ है रेस्टिंग का टाइम, तो ललित भाई साहब तो सोए हुए मम्मी का फोन देख रहे हैं अपने जियो में यूट्यूब चैनल फ्री फायर का, क्या होगा इस भाई का, कोई बात नहीं ये तो करता रहेगा, और ये वीडियो अपन करता हूँ, आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।